आज 9 अगस्त है, आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। सर्वप्रथम इस अवसर पर अपनी ओर से झारखंड वासियों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज इस शुभ अवसर पर, आज वैसे छुट्टी का भी दिन है, सरकारी राज्य स्तरीय छुट्टी है, फिर भी आज के दिन को यादगार बनाने के लिए इस राज्य में जो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। भैया 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 उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती बाड़ी, किसान, मजदूर तबके के हमारे इस राज्य के लोग हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग मंत्री बादल पत्रलेख जी, उपस्थित विभागीय सचिव, उपस्थित माननीय हमारे विधायक बंधु तिर्के जी, माननीय विधायक शबरीलाल जी, हमारे प्रधान सचिव यहां उपस्थित कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी हैं, और यहां उपस्थित आप सभी किसान भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में, इस सभागार में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत विस्तृत रूप में सचिव और हमारे विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख जी ने आपको बताया, क्योंकि उसके कंधे पर ही हम लोगों ने राज्य का सबसे बड़ा भार भी डाल रखा है। जो सबसे जरूरतमंद लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली आए, लोगों की आय की वृद्धि कैसे हो, आर्थिक समृद्धि कैसे हो, इसकी जिम्मेवारी दी गई है। और शुरू से ही हमारा यह प्रयास है कि हम कैसे गांव को मजबूत कर पाए, कैसे किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करें, कैसे धीरे धीरे सम्रांत किसान खेतिहर मजदूर बन रहा है, इस पर कैसे रोक लगे। ये हमारा लगातार प्रयास है, इसके लिए कई चीजें और कई दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम समझते हैं जिस तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग मेहनत कश हैं, उनको सरकार के द्वारा सही समय पर, सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही सहायता उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से हमारे लोग अपने पैरों पर
खड़े हो सकते हैं। देखिए सरकारें आती हैं, जाती हैं, कई सरकारें बनती है और सरकार चलाना कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है। इसके लिए बस जमीनी हकीकत जानना बहुत जरूरी है। तभी राज्य की राज्य को दिशा दिया जा सकता है। हमारे किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सकती है। आज इसी उद्देश्य से मैं आज नहीं, आज को ध्यान में रखते हुए अगला 25 साल तक के बाद इस राज्य का क्या चेहरा होगा, क्या सूरत होगा, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। 25 साल बीतेंगे, 25 साल के बाद फिर 25 साल के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ आज के बारे में सोचेंगे तो कल क्या होगा हम नहीं कर पाएंगे, कल कैसे सुरक्षित रहेगी हमारी पीढ़ी, ये हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। हम समझते हैं कि पेड़ ऐसा लगाओ कि उसका तना इतना मजबूत हो जाए कि उस पेड़ का कितना हो पत्ता तोड़ लो, कितना हो डाली तोड़ लो, लेकिन फिर से वो आपको छांव देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर जड़ ही मजबूत ना हो तो उस पेड़ का कोई वजूद नहीं। और मैं समझता हूं किसान हमारे राज्य के जड़ के रूप में है। अगर आप मजबूत होंगे तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है, यह हमारा मानना है। इसलिए आज एक बात हम लोगों ने निर्णय लिया है कि झारखंड के किसानों को देश में, चूंकि कई किसान हैं, तो हम झारखंड के किसानों को अब से बिरसा किसान के नाम से जानेंगे। यह हम कि हमारा इस राज्य का इतिहास और सब राज्यों से बिल्कुल अलग है। हमारे पूर्वज अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इस राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उस समय से संघर्ष कर रहे थे जब देश में लोगों ने संघर्ष करने का सपना भी ना देखा था। उस समय से आजादी उजादी की लड़ाई तो बाद में हुई, उससे पहले से हमारे पूर्वज लड़ते करते आ रहे हैं, चाहे वो सिद्धू कानू, जय भगवान बिरसा मुंडा हो, भूलो जाने हो, अनेक और तिलंगा खड़िया ना जाने कितने, हम नाम लेते लेते थक जाएंगे फिर भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए। इतने लोग ये वीर भूमि, हाँ जरूर कुछ लोगों का नाम देश के बड़े बड़े मंचों पर लिया जाता है। हमारे जैसे आदिवासी दलित पिछड़े राज्यों का, संघर्षमय लोगों का नाम यदा कदा लिया जाता है या कहा जाए कि मजबूरी में लिया जाता है, लेकिन हम उन सब का नाम गौरव से लेते हैं। हमें गर्व है कि ऐसे लोग हमारे बीच में आए और हमको मार्गदर्शन किया। आज उसी का नतीजा है कि आज हमें भी ये मौका मिला है कि आपके लिए हम कुछ काम करें। और हमारे हर योजनाओं में सबसे पहले यहां के गरीब गुरुए लोग, जरूरतमंद लोग हमारे सोच में, सोच के पंक्ति के सबसे पहले पायदान के लोग जिनके बारे में हम काम करते हैं। आज पशुधन योजना, हम जानते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी
आर्थिक स्रोत, आय संसाधन, आय बढ़ाने का कई माध्यम है और हमारे पूर्वजों के समय से रहा हुआ है, हमारी रगों में बसा हुआ है। लेकिन कई नीतियों की वजह से, कई खामियाओं की वजह से उन सब को हम लोग छोड़ते चले आए और नतीजा आज जो हमारी व्यवस्थाएं छोड़ी हुई थी या वक्त ने हमें छुड़वा दिया, आज उसको व्यवसाय का एक नया रूप देकर के देश दुनिया में उनकी कीमतों का कीमतें आसमान छूती। आज आपको अंदाजा नहीं होगा कि लाख कैसे रुपया किलो बिकता है। आज आपको नहीं मालूम होगा कि सिल्क की साड़ी कितने लाखों तक में बिकती है और ये लाख सिल्क देश में सबसे अधिक पैदा करने वाला अगर कोई राज्य है तो वो झारखंड प्रदेश। लेकिन क्या फायदा? उत्पाद तो हम करते हैं लेकिन लाभ कहां? मिट्टी कोड़ते हम, पेड़ में चढ़ो हम, धागे की उपज करें हम, लेकिन फल खाएगा दूसरे राज्य और दूसरे देश के लोग। आज महुआ को लेकर, महुआ का बीज को लेकर, नीम का बीज को लेकर जंगलों में जो हमारे पूर्वजों ने जिसको संरक्षित करके रखा था और ऊपर वाले ने जो हमें जंगलों से सजा धजा करके रखा था, उसमें इतने सारी चीजें थी कि उससे हमारा घर द्वार को किया, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से अपना जीवन यापन कर सकता था, अच्छे से स्कूल जा सकता था, महाजनों के सामने घुटना टेकने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आज व्यवस्थाओं ने हमें वो मजबूरी पे आके खड़ा कर दिया कि हमें लोगों के सामने भीख मांगने पड़े। आज इसीलिए हम लोगों ने एक फेडरेशन का भी बनाने का संकल्प लिया है जो आखिरी चरण पर है, जिसके माध्यम से हम लोग वन उपज का व्यवस्था हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं जिसका सही और बाजार मूल्य आप सब लोगों को प्राप्त हो सके। कई ऐसी चीजें गांव देहात हमारा हम लोगों ने भी पैदा तो जब हुए होंगे तो छोटे ही थे, गांव देहात का समय भी हमने देखा। एक समय ऐसा था कि गांव में जानवर सुबह घर से निकलते थे और दो चार लोगों का जिम्मा होता था कि वो लोग गाय बकरी सबको चरा के शाम तक वापस लाता। अगर गांव में जानवर सांप को वापसी कर रहा है तो इतना आता था कि आदमी को घर से बाहर निकलना दरवाजे में मुश्किल होता। 10 मिनट तक आ रहा है जानवर सब घर में सब घुस रहा है अपना अपना। लेकिन अब जानवर सब भी गए। आज दुर्भाग्य क्या हमारे, हम लोग को अंडा इंपोर्ट करके दूसरे राज्यों से लाकर के यहां पर लोगों को उपलब्ध करना पड़ता है, जबकि ये विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in